हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अड्डा टू फोर सेवन तो आज के सेशन में हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि टाइम एंड डिस्टेंस का सीरीज चल रहा था नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा था तो नंबर सिस्टम हमने क्या कर दिया क्लास में ख़त्म कर दिया दो लेक्चर ले लिया प्लस नंबर सिस्टम की जैसे एस सी एफ एल सी एम है वो मैंने रेलवे के लिए वीडियो बनी हुई है रिमाइंडर थ्योरम वो रेलवे के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ठीक है तो नंबर सिस्टम पे दो दो चार पार्ट हैं वो आप देख लेना नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है टाइम डिस्टेंस का बोट एंड स्ट्रीम आज हम करेंगे ट्रेन के दो लेक्चर और टाइम डिस्टेंस का एक लेक्चर नॉर्मली ले लिया है और एक रेलवे में मैंसुरेशन चल रहा है साथ में ठीक है दोस्तों मतलब कि आप जो है एक प्लान तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा हाँ सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रही हैं तो तैयार हो जाएगी एकदम पढ़ने के लिए ठीक तो बोट स्ट्रीम में बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है नदी में हम सब कभी ना कभी नहाए होंगे ठीक है तो दो चीज़ें एक तो आप स्विमिंग पूल में कभी यू जंप इन द स्विमिंग पूल और आप नहा वहाँ के निकलते हैं तो क्या होता है कि पानी स्टिल रहता है वो हमें हमें सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा पानी कुछ नहीं करेगा ठीक है ना वाटर स्ट्रीम कुछ नहीं करेगा बट जब बात नदी की आती है तो नदी भी कुछ कुछ करती है तब जब उसमें क्या होता है स्पीड होता है किसमें वाटर में तो कहने की मतलब दो चीजें हैं ठीक है एक पहला चीज होता है कि स्पीड ऑफ मैन स्पीड ऑफ बोट ठीक है चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा ये आपको पता ही होगा थंबनेल तो पे भी लिखा हुआ है ठीक नाव यम धारा ठीक ये चैप्टर का नाम है. तो पहली स्पीड है वो होती है बोट की स्पीड मैं मान लेता हूँ वो है मान लेता हूँ एक्स किलोमीटर पर आ रहा ध्यान से समझना इसमें कोई नई बात तो है नहीं ठीक है चलिए तो स्पीड ऑफ बोट एक्स किलोमीटर पर आर अब क्योंकि मैं कह रहा हूं नदी में जैसे नदी उदी में नहाते हो ना कभी कुछ पकड़ उकड़ के नहाते हैं जैसे हरित गंगा जाओगे नहाने तो लोहे की छड़ होती है उसे पकड़ के नहाते बोट स्ट्रीम की असली फीलिंग लेनी है तो छोड़ दो उसको और फिर नहा के देखो गायब ही हो जाओगे तो कहने का मतलब क्या है संभल के रहना है नदीस के साथ स्विमिंग पूल में उतना टेंशन नहीं है तो कहने का मतलब स्पीड ऑफ बोट एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई किलोमीटर पर आवर वाई किलोमीटर पर आवर ठीक ये बोट की चाल और स्ट्रीम की चाल अच्छा एक बात बताओ यार अगर मैं कहूं कि धारा के साथ धारा के साथ मतलब अनुदिश हिंदी में बोलते हैं और इसको हम कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम अगर डाउन स्ट्रीम तैयार है ना क्वेश्चन पूछना शुरू करूँगा जबरदस्त तरीके से डाउन स्ट्रीम अगर हम चलेंगे नदी के साथ तो हमें जो स्ट्रीम होगी जो हमें धारा होगी वो हमें हेल्प करेगी कहेगी चल मेरे साथ और तेज लेके चलेगी तो स्पीड जो हो जाएगी वो सम हो जाएगी और जो अपस्ट्रीम यानी विपरीत दिशा में वो माइनस हो जाएगा अब कभी कभी सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि सर आप हमेशा एक्स को बड़ा लिखते हो ठीक है अनुदिश धारा के साथ और आई थिंक धारा के साथ और धारा के विपरीत ही लिख देता हूँ कि हिंदी में कुछ लफड़ा ना हो जाए ये धारा के साथ और ये धारा के विपरीत ठीक है धारा के विपरीत ये देखो अभी क्या होता है कि मान लो कि ये x वाई एक्स प्लस वाई है तो कभी कभी सवाल आता है दिमाग में हमारे और आप सबके भी आता होगा कि सर ये x क्यों नहीं बड़ा हो सकता मतलब y कभी बड़ा हो जाए तब तो y मतलब क्या कि बड़ा बड़ा हो गया कौन नदी की धारा और अगर अगर नदी की धारा स्पीड ऑफ करेंट बड़ा हो गया तो जाना होगा कोलकाता पहुंच जाओगे गुजरात क्योंकि नदी जाना चाहोगे उधर ले जाएगी उधर तो कभी भी नॉर्मल जिंदगी में एसएससी बैंक और रेलवेज़ में कभी ये नहीं हो सकता कि वाई बड़ा हो जाए एक्स से पहले तो ये नोट कर लो ठीक है ना अब देखते हैं बिल्कुल बहुत बेसिक से जैसे लोग कह रहे हैं कि बेसिक से करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं आप आराम से बस खाली फील करो दैट यू आर सिटिंग इन अ बोट और ले जा रही है आपको और आप नदी में तैर रहे हैं बस इतना फीलिंग लो और आंसर मुझे फटाफट बताना ये एक चैप्टर है लेकिन चैप्टर नहीं है क्योंकि एक ही चैप्टर है और वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है तो एक चीज और ध्यान ले दे, दे लेना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और उसका आंसर बताओ सबके सब, के सब? मैं कहता हूं कि स्पीड ऑफ बोट यानी एक्स मानूंगा मैं हर पिक्चर में आई लव्यूम एक्स ठीक है तो स्पीड ऑफ एक्स स्पीड ऑफ बोट मानता हूं मैं 20 किलोमीटर पर आर ठीक मतलब बोट की चाल 60 किलोमीट बीस किलोमीटर पर आर और वाई 5 किलोमीटर पर आर ठीक मैं कहता हूं डाउन स्ट्रीम चलिए शुरू हो जाइए सबके सब, सब शुरू हो जाइए डाउन स्ट्रीम सिक्सटी किलोमीटर चलने पर ठीक है इसको चलो अच्छा और बढ़िया कर देते हैं सेवेंटी फाइव कर देते हैं ताकि पॉइंट वाइन का चक्कर खत्म हो जाए डाउन स्ट्रीम सेवेंटी फाइव किलोमीटर चलने पर कितना टाइम लगेगा कितने टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम सेवेंटी फाइव किलोमीटर चलने में कमॉन फास्ट करें झंकार बोलें एस सी का क्लास झंकार दो वीडियोज़ हमने रेलवेज़ के लिए ही अपलोड करी है एस सी एफ आप खाली सर्च कर लोगे एस सी एफ तो आपको मिल जाएंगी वो ठीक है चलिए बताइए कितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम सेवेंटी फाइव किलोमीटर करने पर मुझे सबके आंसर चाहिए इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता अब देखो डाउन स्ट्रीम बिल्कुल सही सबका ठीक है अब यहाँ डाउन जाओ जाओ यह स्ट्रीम जाओगे यहाँ डाउन स्ट्रीम जाओगे ये एक्स प्लस वाई है यहाँ एक्स प्लस वाई होगा एक्स की वैल्यू बीस है वाई की वैल्यू फाइव है तो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा स्पीड टाइम इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन वी स्पीड तो कितने घंटे तीन घंटे लिख लो गए यहाँ पर नंबर वन हो गया थ्री आवर्स हो गया बिल्कुल सही सभी लोगों का आंसर ठीक है अब मैं खाली बस आप क्या करना अब मैं पूछे जा रहा हूँ कमेंट करते जाओ बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं ठीक अब इसी को मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहां बीस है यहां पांच है मैं कहता हूं फोर आर्स में अपस्ट्रीम फोर आवर्स में अपस्ट्रीम डिस्टेंस बताइए चलिए अपस्ट्रीम डिस्टेंस बताइए चार घंटे में अपस्ट्रीम की दूरी बताई जाए चलिए कम ऑन गाइज चार घंटे में यही बोट यही नदी कितना दूरी तय करेगी चार घंटे में चलिए <coughs> फोर आवर्स में चलिए यस पॉल मी इज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर कि 60 किलोमीटर पर आर तो ये आपने ये फंडा लिख, लिख लिया होगा समझ लिया होगा इसको दिमाग में रख लो बिल्कुल 60 किलोमीटर एंड दैट इज 60 किलोमीटर चलो अच्छा अगर मैं कहता हूँ कि x है 15 किलोमीटर पर आर y है 4 किलोमीटर पर आवर ठीक 99 किलोमीटर इज 99 किलोमीटर अपस्ट्रीम बताइए टाइम कितना लगेगा जल्दी बताइए एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया दूसरा इसी पे एक और क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसका आंसर फटाफट बताइए मुझे पता है आप सब बता दोगे अपस्ट्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं पुट करता हूँ और आंसर मैं जानना चाहता हूँ कि जल्दी से इसका भी आंसर बताया जाए दूसरा क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ कि एक्स सिक्स किलोमीटर पर आर वाई फोर किलोमीटर पर आर तो देखो इस पे बात सुनना ट्वेंटी किलोमीटर अपस्ट्रीम देन 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टोटल टाइम बताया जाए टोटल टाइम बताया जाए कि टोटल कितना टाइम लगेगा चलिए फटाफट बताइए टोटल कितना टाइम लगेगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करके दिखाइए <coughs> कमाल है भाई ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है तो सभी लोगों का आंसर डेफिनेटली कमाल करते हो भाई आप लोग यस नाइन आवर्स एंड दैट इज़ द राइट राइट आंसर ठीक है एक क्वेश्चन ये वाला है सिक्स और फोर ये दिख रहा होगा देखो मैं हट गया टोटल टाइम पूछा हुआ है अच्छा कुछ लोग ट्वेल्व आवर्स बता रहे हैं कुछ लोग नाइन आवर्स बता रहे हैं कुछ लोग ट्वेल्व आवर्स टेन आवर्स टू आवर्स बता रहे हैं मैंने टोटल टाइम पूछा है <coughs> स यस राइट 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 ट्वेल्व बार्स दैट इज़ द राइट आंसर अभी राइट आंसर आया कैसे मेरे भाई अब ये देख लो जरा कि भैया डाउन स्ट्रीम मतलब टेन हो गया ट्वेंटी बाई टेन कितना होता है दो घंटा होता है उसके बाद फिर जाना ट्वेंटी है लेकिन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा छः चार दो तो यहाँ आएगा दो घंटे यहाँ आएगा दस घंटे यानी टोटल कितने आर्स आएंगे ट्वेल्व बार्स आएंगे और ये आपका राइट आंसर था कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि ये जो है हमें ऐसा दे देते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू दे देंगे चलिए ऐसे बोलेंगे कि x प्लस वाई है 17 और x माइनस वाई है 13 मतलब क्या ना अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्पीड दे देंगे और अपस्ट्रीम में स्पीड दे देंगे ठीक फिर पूछा जाएगा x की वैल्यू कितनी है फिर पूछा जाएगा वाई की कि वैल्यू कितनी है ये चीजें पूछी जाएंगी ठीक <kip> ठीक है अब देखिए कि अपस्ट्रीम कितना है डाउन स्ट्रीम कितना है अभी एक्स माइनस वाई कितना थर्टीन एक्स प्लस वाई कितना सेवेंटीन अब एक चीज बात करो सुनो मेरी बात कि अगर हमसे एक्स पूछा जाए कि एक्स ठीक है पूछा जाए तो हम क्या करेंगे अब वैसे तो हम इन दोनों को जोड़ते थे वाई से वाई करता था एक्स एक्स 2x एक्स होता था नो no डाउट लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि अगर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई पूछा जाएगा हमसे तो हम इन दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देंगे तो 17 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 और टू से डिवाइड तो 15 और ये मत भूलना ये क्या होगा किलोमीटर पर और ये x प्लस वाई सेवेंटीन एक्स माइनस वाई थर्टीन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो y आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है टू से डिवाइड दोबारा सुन लो बात को सब्ट्रैक्ट करके टू से डिवाइड तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा फोर और टू से डिवाइड तो कितना हो जाएगा टू किलोमीटर पर तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर सब के सब देख के खाली बता देना x की वैल्यू y की वैल्यू जस्ट बाय लुकिंग एट द स्क्रीन यू सी इट यू डू इट चलिए करते हैं हम लोग नंबर चेंज करता हूं यहां पे ध्यान से समझना मैं बदलूंगा थोड़ा बहुत यहां लिखता हूं ट्वेंटी ट्वेंटी बताइए ठीक है ट्वेंटी वन और एटीन फटाफट करें प्लीज ठीक ट्वेंटी वन और एटीन वीडियो ठीक ठाक लग रही है थोड़ा लग रही है तो लग रही है तो थोड़ा शेयर वेयर कर दो और आंसर बता दो इसका ठीक यस पॉल मी विश्वास नाइनटीन पॉइंट ऋषि धन्यवाद आपका ठीक है अब आंसर बता दो इस अभी दिस इज द टाइम टू टेल द आंसर राइट आंसर बस दोस्तों यही मैं चाहता था अभी क्या दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड इक्कीस अट्ठारह जोड़ेंगे थर्टी नाइन ना आएगा आधा साढ़े उन्नीस कुछ नहीं करना तुम्हें एक्स निकालना है ना दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं जो चीज़ मतलब आसानी से हो जाए उसमें और दोनों को सब करके टू से डिवाइड तो थ्री बाई कितना हो जाएगा वन दैट इज़ द आंसर तो इंग्लिश हिंदी सब में क्वेश्चन जो है है हमारे पास सो so, दोस्तों तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आने वाला है और देखो और निपटा दो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन चलिए लगा रही है तो नहीं लग रही है सर चलिए <coughs> <laughs> फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बोट मैन रोज वन किलोमीटर इन फाइव मिनट अलोंग द स्ट्रीम एंड सिक्स किलोमीटर इन वन आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ठीक है आंसर <coughs> आना शुरू हो गया ऑप्शन ए लोग कह रहे हैं ठीक है ठीक है अब बोलते कि डाउन स्ट्रीम में लिखा हुआ है ना कि अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में क्या है कि देखो ऐसा लिखा हुआ है कि x प्लस वाई और वन किलोमीटर वन किलोमीटर का मतलब एक किलोमीटर पांच मिनट में मतलब वन अब मिनट तो कर नहीं सकते किलोमीटर पर आर करना है तो पांच बटे साठ ठीक है तो सिक्सटी को ऊपर भेज दो सो एक्स प्लस वाई ट्वेल्व किलोमीटर पर आर क्योंकि कट जाएगा ना बारह आ जाएगा और अगला बोलते हैं सिक्स किलोमीटर एक घंटे में तो देखो यहां तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई सिक्स किलोमीटर एक घंटे का मतलब क्या है सिक्स किलोमीटर पर आर अब दो चीजें पूछ सकते हैं या तो एक्स पूछेंगे या तो वाई पूछेंगे अगर एक्स पूछते हैं तो दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड ऐड करेंगे तो एटीन आएगा दो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नाइन किलोमीटर पर आर अगर वाई पूछते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दो से डिवाइड तो दोनों को घटाओगे तो सिक्स आएगा टू से डिवाइड करोगे तो थ्री आएगा तो देट इज़ थ्री किलोमीटर पर आवर और ये आंसर है ठीक है <coughs> देखिए जैसे कोई कह रहा है कि थोड़ा स्लो बोलो देखो बच्चों आ, कभी ज़्यादा स्लो बोलूँगा तो फिर ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो दोबारा मैं समझा देता हूँ इस बात को वो कह रहा है कि पाँच किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर पाँच मिनट में सो आई जस्ट चेंज दिस फाइव मिनट इन टू आर तो आई डिवाइडेड बाई सिक्सटी सो वॉट आई गेट ट्वेल्व ऊपर चला गया देट इज़ ट्वेल्व किलोमीटर पर आर. अभी क्या है कि x माइनस वाई कितना हुआ वहाँ लिखा ही हुआ है देखो वो शब्द लिखा हुआ है कि छ किलोमीटर वन आर में इसका मतलब ही क्या हुआ कि सिक्स किलोमीटर पर आर वो लिखा हुआ है वहाँ पे. तो सिक्स किलोमीटर पर आर हो गया और ये x प्लस वाई ट्वेल्व किलोमीटर पर आ रहा है x माइनस वाई सिक्स किलोमीटर पर आ रहा है अब हमें x से चाहिए तो दोबारा देख लो एक बार कि भाई दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड तो नाइन किलोमीटर पर आर दोनों को घटा के दो से डिवाइड तो थ्री किलोमीटर पर आ चलो ठीक है चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए ठीक चलिए सेम जैसा है ये भी फटाफट निपटाया जाए देव मीना धीरे 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 आगे बढ़ेगा टेंशन मत लो ये ग्रुप डी का क्लास चल रहा है वैसे भी ग्रुप डी का क्लास चल रहा है ठीक है ना <coughs> ठीक है ये ग्रुप डी का क्लास चल रहा है बट हां कॉन्सेप्ट जरूर आपको समझ आएगा तो फटाफट देखो अब शिव सक्सेना एक्स है बोट की स्पीड और वाई है स्ट्रीम की स्पीड एक बार वीडियो दोबारा देख लेना ठीक चले सेकेंड एक व्यक्ति धारा के अनुकूल तीन घंटे में पंद्रह किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर बताया जाए प्लीज थ्री आर्स में फिफ्टीन किलोमीटर चलता है और टू पॉइंट फाइव आर्स में पाँच किलोमीटर चलता है तो हमें बताना है कि बोट की स्पीड बतानी है बोट की ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में बोट भी पूछा जा सकता है दोस्तों इट कैन बी आस्ट इन द एग्जाम ठीक है अगर टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है तो बोट स्ट्रीम भी है उसमें ये आप समझ लो ठीक है तीन घंटे में पंद्रह किलोमीटर तो x प्लस वाई कितना हो गया पंद्रह बटे तीन पाँच। और x माइनस वाई कितना हो गया पाँच बटे ढाई तो कितना हो गया टू आ गया अब हमें पता है कि अगर x निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो 5 प्लस टू बाई टू दैट तो इज़ थ्री पॉइंट किलोमीटर पर आवर अगर y पूछा चलो एक बार सभी लोग y का आंसर बता दो कि y की वैल्यू क्या होगी ठीक है y की वैल्यू क्या होगी चलिए y <स्याँग> की वैल्यू भी बता देना साथ में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज हम्मइंट फाइव बिल्कुल ठीक वन पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर थ्री करें प्लीज क्वेश्चन नंबर थर्ड करा जाए <coughs> हाँ वाई डिवाइड बाई टू क्योंकि जब दो इक्वेशन हम बनाएंगे ना तो दो बार आ जाएगा एक्स तो इसलिए हम दो से डिवाइड करते हैं बट इसको हम शॉर्ट में डायरेक्ट समझ लेते हैं बट जब आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो वही आंसर होगा अभी पॉलमी विश्वास इज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये ठीक है तो इसका आंसर ट्वेंट कोई बोल रहा है सेवन आवर्स कोई बोल रहा है थर्टीन आवर्स ठीक है तो हम देखते हैं कि असली आंसर क्या है इसका देखिए अब रेलवे में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही करवाएंगे अब टफ भी करवाएंगे टफ भी लाया हूँ लेकिन थोड़ा इंतज़ार तो करो इंतज़ार का फल मीठा होता है दोस्तों और इसका आंसर गलत बता रहे हो देख लो सभी के सभी बहुत कम लोग हैं कम खाली चालीस प्रतिशत फ्यूवर इसका आंसर सही बता रहे हैं बाकी बाकी सब गलत बता रहे हैं ये ध्यान रखें <clears throat> चलो यस yes, गाइस बोलते हैं कि टेन किलोमीटर पर आर उसका स्पीड है और थ्री किलोमीटर पर आर स्पीड है स्ट्रीम का तो एक्स जो है टेन है वाई जो है थ्री है थ्री किलोमीटर पर आर है अच्छा जाना कितना किलोमीटर है नाइन्टी वन जाना है जाने एक मतलब एक बार सुनो एक, एक बार डाउन स्ट्रीम होगा और एक बार अप स्ट्रीम होगा डाउन स्ट्रीम होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे और अप स्ट्रीम होगा तो दोनों सब हो जाएंगे बोलो समझ नहीं आया बताओ डाउन स्ट्रीम होगा तो टाइम देखो अब एक ही बात होती है मैंने कहा था ना कोई भी चैप्टर हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दुनिया का कोई भी चैप्टर हो फार्मूला यही लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंपल तो जब जाएगा कोई धारा के साथ तो टेन और थ्री हो जाएगा प्लस और कोई जब धारा के अगेंस्ट आएगा तो टेन और थ्री हो जाएगा माइनस सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस upon स्पीड यहाँ आएगा सेवन आवर्स यहाँ आएगा तेरह आर्स टोटल होगा ट्वेंटी आवर्स एंड देट इज़ यंसर ट्वेंटी आर्स ठीक है ट्वेंटी आर्स एंड दिस इज आर आंसर ठीक है तो चलो बढ़िया है अच्छा अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज कर दूँ मान लो मैं ऐसा कर दूँ और मुझे सभी लोगों का आंसर बताना ज़रा एक बार सब के सब ठीक है ना सब के सब बताना अगर मैं बोलती हूँ एक 18 अट्ठारह किलोमीटर पर आ रहा है वाई मान लेते तो मैं पाँच किलोमीटर पर आ रहा है ठीक है और मैं कहता हूं कि दो टू नाइनटी नाइन किलोमीटर चलना है टू नाइनटी नाइन किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम 299 टू नाइन किलोमीटर अपस्ट्रीम भी चलना है और डाउनस्ट्रीम भी चलना है तो टाइम बताना क्या आएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों चलना है टू नाइन नाँग किलोमीटर तो बताना टाइम क्या आएगा ठीक अब देखो 299 चलना है अब क्या एटीन किलोमीटर पर आर है फाइव किलोमीटर पर आर है और 299 किलोमीटर चलना है तो आंसर बताइए कितना आएगा ठीक है अब कोई बता रहा है इसका 36 सिक्स आर्स कोई बता रहा है ट्वेंटी थ्री आवर्स अब हमें इसमें क्या करना है ट्वेंटी टू नाइन्टी नाइन अप ट्वेंटी थ्री प्लस टू नाइन्टी नाइन अप ऑन थर्टीन डेट सेट यही आंसर हो जाएगा इसको काटेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी थ्री वन जा ट्वेंटी थ्री थ्री जा इसको काटेंगे टू टू जा और थ्री जा तो आंसर कितना हो जाएगा 23 13 36 आर्स ये भी सेम क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज यस गाइस 36 आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए अब इस पे थोड़ा दिमाग लगा लेना इस पे काफी अच्छी खासी बात करेंगे दोस्तों ठीक है यस yes, 36 किलोमीटर पर आर बिल्कुल सही है सबका ठीक है ओके <coughs> यस yes, बिल्कुल uh, उत्कालिका साहू ने बिल्कुल करके भी दिखा दिया देख लो अगर किसी को डाउट है तो <coughs> चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फोर <coughs> नैना मेहता टाइमिंग क्लास का टाइमिंग यू कैन कम ऑन आर पेज आर यूट्यूब पेज होम पेज वहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सी क्लास कौन कितने बजे है तो उसे आप फॉलो करें रोज देख लिया करें कि कौन सी कितने बजे होती है ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पूरा ढंग से समझाता हूँ ध्यान ध्यान से समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर कहता आशुतोष शांत जल में ट्वेंटी किलोमीटर पर परार से चलता है मतलब इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो एप एस टू रो डाउन द रिवर फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम देखो पहला तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है कि अगर हम माने कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई मान लेते हैं तो हमें पता है कि जो स्पीड का जो रेशियो होता है मतलब स्पीड वन स्पीड टू का रेशियो टाइम का उल्टा होता है टी टू अपॉन टी वन ये मैंने आपको बता रखा है टाइम एंड डिस्टेंस में मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है पहले एक चीज़ का ध्यान रखना डिस्टेंस कांस्टेंट है तो समझो बहुत अच्छी फीलिंग है इस दुनिया में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अब कैसे है देखना बात को समझना कि यहाँ दे रखा है इन्होंने टाइम का रेशियो दे रखा है बात को समझो टाइम का रेशियो दे रखा है इन्होंने बोलता है कि आशुतोष को डाउन स्ट्रीम अगर एक घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम दो घंटा लगता है ठीक है ना बात समझो ये मैं लिख देता हूँ ये डाउन है पहला वाला टाइम डाउन का है और दूसरा वाला अप का है अब जाहिर सी बात है अप में ज्यादा टाइम लगेगा चाहे आशुतोष हो चाहे कमलेश हो टाइम जो है अप में ज्यादा ही लगेगा सबको तो T1 वन एस टू तो टी टू वन एज टू तो टू तो स्पीड का रेशियो क्या होगा अब बात को समझना अब यहीं पे सारी पिक्चर बनती है स्पीड का रेशियो क्या होगा टू इस टू वन का ठीक है टाइम का रेशियो वन टू तो टू का स्पीड का रेशियो टू इज टू वन का एक बार लिख देना कमेंट सेक्शन में कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है तो एक्स प्लस वाई अप में स्पीड कितनी होती है एक्स माइनस वाई और ये क्या दिया हुआ है टू इज टू वन अब देखो अब क्या लगा लेना अब क्या देख लेना इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर नाम वोम नहीं पता कंपोनेंडो डिविडेंडो का तो एक चीज बात समझ लेना खाली खाली कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 2x इन दोनों को ऐड कर दो ऐड दीज टू टू एक्स जितेंद्र सिंह स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना प्लीज तब आपको ज्यादा समझ आएगा वाओ आनंद समथिंग एंड दैट इज गुड x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जोड़ दिया इनको तो 2x आ गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो टू वाई आ गया तो जब यहाँ जोड़ेंगे ना तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा और पहले दो एक जोड़ दो कितना आएगा तीन बात समझना ऐसे क्वेश्चन लेकर आएँ हम ऐसे डायरेक्ट रिपीट करेंगे दो और एक जोड़ेंगे कितना आएगा तीन और दो और एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा एक तो बच्चों टू से टू कट गया एक्स और वाई थ्री इज टू वन अच्छा एक्स किसकी स्पीड है एक्स है स्पीड किसकी एक्स है स्पीड बोट की या आशुतोष की कह सकते हैं वाई किसकी स्पीड है स्ट्रीम की ये हमें पता है अब क्या है कि दे रखा है ट्वेंटी फोर किलोमीटर मतलब ये तीन का मतलब ट्वेंटी फोर ध्यान से समझो इस बात को तीन का मतलब ट्वेंटी फोर एक का मतलब एट तो एक का मतलब एट किलोमीटर पर आवर ये आपका आंसर होगा सीधा लिख दो उसको कमेंट सेक्शन में सब के सब कि तीन का मतलब 84 तो वन का मतलब एट और जिनके लिए नया हो वो सिर्फ ये सोचे कि तीन रुपए में चौरा ट्वेंटी uh, फोर तो एक रुपए में कितने मिलेंगे बस इतना समझे यू डेफिनेटली कैन सॉल्व दैट ठीक है तीन का मतलब एटी फोर तो एक का मतलब आठ ठीक है सिंपल सी बात है आप कि आप ये देख लो कि भाई इनको वन इज टू टू है तो थ्री इज टू वन हो गया रेशियो सिंपल है यार यहाँ वन इज टू टू आएगा तो इनको जोड़ेंगे तीन इनको जोड़ेंगे घटाएंगे एक खा सिंपल हमें क्या देखना है सिर्फ ये देखना है क्या देखना है सिर्फ ये देखना है और कुछ भी नहीं देखना है एक बार ये समझ आ जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा चलो क्वेश्चन हटा दिया जाए मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और मुझे सब आंसर बताएं आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी टाइम का रेशियो जो है टाइम का रेशियो है थ्री इज टू वन मतलब यहाँ जो टाइम का रेशियो था वन एज टू थ्री ठीक और मैं कहता हूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब गंगा अपने उफान पे है तो मैं स्ट्रीम की स्पीड बता रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि स्ट्रीम की स्पीड है ट्वेल्व किलोमीटर पर आर तो बिना कलम के जस्ट टेल मी स्पीड ऑफ बोट चलिए बताइए स्पीड ऑफ बोट चलिए आंसर बताइए फटाफट यस yes, बिल्कुल सही चलो भाई अभी खत्म है कहानी खत्म है हो गया टाइम का रेशू ये था तो स्पीड का रेशू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें तो दे, देखना भी नहीं है मतलब ये हो गया थ्री एज टू वन इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा चार इनको घटाएंगे तो कितना आएगा दो यानी टू एज टू वन एक का मतलब दिया हुआ है बारह तो दो का मतलब ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज द आंसर यस एक्सप्लेनेशन के साथ लोगों ने किया हुआ है कि एक का मतलब बारह दो का मतलब चौबीस काम खत्म ये हमारा आंसर आएगा ट्वेंटी किलोमीटर क्योंकि हमें एक दो का मतलब दो फोर इंस टू टू आएगा तो वन इंस टू टू का रेशियो आ जाएगा बिल्कुल सही है ये आंसर है ट्वेंटी फोर किलोमीटर आएगा ऐसा क्वेश्चन अभी एक आधौ और आएगा हमारे स्क्रीन पर उसको भी आप देख के फटाफट सॉल्व कर दीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखाया जाए प्लीज क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर बताओ <laughs> क्वेश्चन नंबर फाइव <फाएग>, करके दिखाओ <laughs> स yes, बिल्कुल एक का मतलब बारह तो दो का मतलब चौबीस क्वेश्चन नंबर फाइव दिखाया जाए प्लीज <coughs> हाँ स्ट्रीम दिए थे तो अभी तो एक का मतलब बारह बोला है <coughs> ठीक क्वेश्चन नंबर फाइव देखो एक बार कहते कि मोटर बोट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू डेट ऑफ करेंट इज थर्टी सिक्स इंस टू फाइव चलिए क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू डेट ऑफ करेंट इज थर्टी सिक्स इंस टू फाइव ये दिखा दिया हुआ है ठीक है थर्टी सिक्स इंस टू फाइव दिया हुआ किसका रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का तो अब हमें पता है कि ये थर्टी सिक्स इज़ टू फाइव सो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं कहूँ कि एक्स प्लस वाई इस टू एक्स माइनस वाई तो थर्टी सिक्स फाइव को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा फोर्टी वन और यहाँ घटा दो तो कितना हो जाएगा थर्टी वन तो ये था स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो क्या होगा जाहिर सी बात है टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा थर्टी वन इज़ टू फोर्टी वन क्योंकि स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम अब ये थर्टी वन और फोर्टी वन है ठीक अब क्या करना है देखो ये सिंपल सिंपल दिया हुआ है बोलते हैं एलोंग विद द करेंट फाइव आर्स टेन मिनट्स अब यहाँ देखो फाइव आर्स टेन मिनट्स फाइव आर्स टेन मिनट्स का मतलब कितना है कि फाइव आर्स का मतलब कितना हो गया अपना थ्री हंड्रेड प्लस टेन तो थ्री हंड्रेड टेन मिनट्स तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है थर्टी वन थ्री हंड्रेड टेन के बराबर है तो थर्टी वन का मतलब थ्री हंड्रेड टेन तो वन का मतलब टेन तो फोर्टी वन का मतलब फोर हंड्रेड टेन सो फोर हंड्रेड टेन आएगा यहाँ पे और फोर हंड्रेड टेन मिनट ही हमारा आंसर होगा और फोर हंड्रेड टेन मिनट कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें फोर हंड्रेड टेन मिनट आ रहा है तो हम देखेंगे तो सिक्स आवर्स फिफ्टी मिनट्स ठीक है सिक्स आवर्स फिफ्टी मिनट्स जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन सी ही आंसर है अब देखो जब एक चीज़ कांस्टेंट हो जाती है तो हमारा काम आसान हो जाता है सो ऑप्शन सिक्स हमारा आ जाएगा दैट इज़ वॉट सिक्स आवर्स फिफ्टी मिनट्स मतलब फोर हंड्रेड टेन मिनट्स तीन सौ साठ प्लस पचास चार सौ दस और ठीक है सबका आंसर ठीक है चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए स्क्रीन पे प्लीज दिखाया जाए चलिए इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है बच्चों इसको मैं बताऊंगा भी नहीं वैसे तो क्या रेशियो है दुगना समय बिल्कुल सिर्फ ये आशुतोष वाला क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है ये सिर्फ आशुतोष वाला क्वेश्चन जैसा इसका आंसर आएगा यू कैन सी इट एंड यू कैन डू इट देखिए क्वेश्चन uh, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़िया आप कर पाएंगे जब बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली जैसे अब यहाँ पे रेशियो क्या है रेशियो क्या है 7.5 किलोमीटर पर आर है तो टू इज टू वन का रेशियो है तो जाहिर सी बात है थ्री इज टू वन हो जाएगा स्पीड का रेशियो क्योंकि दो एक जोड़ देंगे दो एक घटा देंगे थ्री इज टू वन और थ्री का मतलब सेवन पॉइंट फाइव तो एक का मतलब कितना टू पॉइंट फाइव बिल्कुल सही टू पॉइंट फाइव एंड दैट इज़ द आंसर बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है आशुतोष वाला क्वेश्चन जो था जो अभी आए हैं जो दस मिनट पहले आए हैं वो वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देखें उनको भी ये ऐसे बोलेंगे वो आ, पता कैसे बोलेंगे थ्री का मतलब सेवन पॉइंट फाइव सो वन मींस टू पॉइंट फाइव दैट्स इट दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर तीन का मतलब साढ़े सात तो एक का मतलब ढाई ढाई चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर सेवन दिखाया जाए प्लीज स्क्रीन पर सेवन दिखाया जाए <coughs> ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन दिखा जाए स्क्रीन पे फटाफट अब देखो ये काफी थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन ये भी काफी आसान है मतलब अगर आपने पहले कभी देखा होगा या किया होगा ठीक है <coughs> हाँ आनंदराज आशुतोष फिर आ गया आशुतोष आता रहेगा आंसर बताओ <coughs> अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखो किस हिसाब से ये सॉल्व होगा पूरी इसकी पूरी बात समझो क्वेश्चन नंबर सेवन को रीड करो अब देखो लेवल ज़्यादा आ गया अब थोड़ा सा टफ सा लेवल आ गया तो अच्छी बात है तो स्टार्टिंग से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए उतना टफ नहीं लगेगा ठीक है बस देखते रहो खाली खाली कि ए बी सी आर सिचुएटेड एट बैंक ऑफ रिवर विच इज़ फ्लो फ्लोइंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट बी इज एट एन इक्वल डिस्टेंस विद ए एंड सी अ स्विमर अविनाश टेन नास्ट टू स्विम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए अब देखो पूरी बात समझो क्वेश्चन समझना कि मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी सी तीन जगह पे है और बी बीच में है ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ बढ़िया से ज़रा तो ये ए है मेरा ये बी सी है और इनके बीच में बी है ठीक इनके बीच में बी है ठीक ये लिखा हुआ है अब लिखा हुआ है कि बी बराबर है अविनाश को कितना लगता है ए से बी और बी से ए अविनाश है यहां पे ए से बी जाते हैं और बी से ए जाते हैं ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है चाहे जोन सब एग्जाम हो इसका फंडा बहुत जाना जा, बहुत जरूरी है तो ए से बी और बी से ए दस घंटे में जाते ठीक अविनाश जी हाँ ए से बी और बी से ए दस घंटे में जाते हैं और दूसरा लिखा हुआ है यही अविनाश ए से सी जाने में चार घंटा लेता है अब ये वर्ड देख के कुछ कुछ फीलिंग आ जानी चाहिए ये शब्द देख के ही ऐसा अविनाश क्या मतलब चमत्कार कैसे हो रहा है ऐसे कि ए से बी जाने में और बी से सी जाने में दस घंटा और ए से सी जाने में फोर आवर्स मतलब देर इज़ समथिंग लाइक कुछ चमत्कार हो रहे हैं यहाँ पे कुछ फीलिंग लेनी पड़ेगी और वो फीलिंग ये है कि ए से सी मतलब ये वाला चीज ये डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम है तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा अपस्ट्रीम होगा ये पक्का हो गया अब डाउन स्ट्रीम में ए से सी जाने में चार घंटा बट डिस्टेंस क्या है ये बराबर है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है टोटल चार घंटा लग रहा है ठीक है अब टोटल फोर आवर्स लग रहा है तो दो आवर्स यहाँ लगेगा टू आवर्स यहाँ लगेगा समझो टू आवर्स यहां लगेगा टू आवर्स यहां लगेगा सो ए टू बी दो घंटे हो गए तो मैं इसको लिख देता अच्छा लेकिन एक बात और भी है कि ए से बी दो घंटा है बट बी से बी से प्लस बी से ए दस घंटा है तो बी से ए कितना घंटा होगा एट आर होगा इसको एक बात समझ लो कि ए से बी दो घंटे बी से ए एट घंटे और यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा मतलब क्या है कि स्पीड जो है ए से बी का टाइम दो घंटा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम है आठ घंटा और डिस्टेंस सेम है क्योंकि ए से बी की बात करें क्वेश्चन खत्म हो गया यानी क्या टाइम का रेशो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है टू इस टू एट तो टाइम का रेशो इतना होगा तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा ये टू इस टू एट को हम लिख सकते हैं वन इस टू फोर तो ये हो जाएगा फोर इज टू वन तो स्पीड का रेशियो फोर इज टू वन हो जाएगा पहली वाली स्पीड एक्स प्लस वाई है दूसरी एक्स माइनस वाई है फोर इज टू वन में लिख रहा हूँ वैसे लिखने की जरूरत नहीं है इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को सब ट्रैक कर दो तो चार एक पाँच हो गया चार में से गया तीन हो गया आंसर कितना है फाइव इस टू थ्री सो हमने देखा और निपटाया कि एक्स इज टू वाई क्या है फाइव टू थ्री और ये आंसर है हमारा दोबारा बात को समझना देखो तो क्वेश्चन पह, सबसे पहला काम क्या है सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को रीड करो जब एक बार आपका क्वेश्चन टेक ए स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट पहले क्वेश्चन को रीड करो जब क्वेश्चन रीड करोगे तो क्या होगा कि पता चलेगा ए से सी दस घंटा चार घंटा और ए से बी बी से दस घंटा ये क्या हो रहा है भाई दूर जाने में केवल चार घंटे लगते हैं और पास उल्टा आने में दस घंटा लग रहा है इसका मतलब कोई झोल है और झोल ये क्या है कि ये वाला डायरेक्शन क्या है डाउन स्ट्रीम तो यहां से यहां तक तो मजा आएगा जाने में बट यहां से यहां तक आके यहां से यहां तक जाने में तकलीफ होगी दर्द होगा और उस दर्द होगा तो क्या हो जाएगा अप हो जाएगा तो यहां से यहाँ का दो घंटा यहां से यहाँ का आठ घंटा रखा तो आ गया ठीक है ना यानी आंसर कितना फाइव इस टू थ्री फाइव इस टू थ्री राइट चलिए लिख लीजिए तन्मय कुमार बता रहे कि बी सी डी ऑप्शन नहीं हो सकता हाँ ठीक है क्योंकि स्पीड पहले वाले ज्यादा दे दी हमने ये भी बात ठीक है लेकिन एक बात ये भी है कि नन ऑफ दीज भी था ठीक है चलिए दोबारा वीडियो देखना है शुरू से जरूर समझ आएगा आपको चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट की अब ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत सारी किताब वगैरह में देखा होगा क्वेश्चन नंबर एट देखा ही होगा आपने कभी ना कभी ठीक है <coughs> ठीक क्वेश्चन नंबर एट ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत बार देखा होगा अगर आपने मतलब तैयारी भी कर रहे हैं तो इस ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं सामने हमारे <coughs> हाँ आयुषी बहुत सही बोला आपने टू एक्स टू आई होगा मैंने स्टार्टिंग में समझाया था टू से टू कर जाएगा तो एक्स टू वाई होता है uh, उत्कालिका साहू आप दोबारा बता दीजिए आप क्या कह रही हैं? सुना नहीं था मैंने मतलब आई मीन देखा नहीं था सुनूंगा कैसे खे ठीक क्वेश्चन नंबर एट की बात करते कैन कवर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड थर्टी नाइन किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन एट आर ठीक है ना 25 किलोमीटर कहाँ चलना है अप स्ट्रीम चलना है और 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलना है आठ घंटे में और एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 50 फिफ्टी टू किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आर हमें बताना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हाँ डाउट्स आप जैसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ ऐसे डाउट्स है तो उस पर बात करेंगे बाकी जो है और आप मेल वेल भी कर सकते हैं ठीक है मेल पे भी पूछ सकते हैं तो <coughs> 25 किलोमीटर और 39 किलोमीटर ये कहानी है पूरी बात ध्यान से समझना ज़रा ठीक है कि 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलना है तो अपस्ट्रीम चलना है मतलब ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस वाई देखना और थर्टी नाइन कैसा है थर्टी नाइन डाउन स्ट्रीम है तो थर्टी नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई कितना टाइम लगता है टोटल आ, एट आवर्स लगता है ठीक है अगला क्या दिया हुआ है थर्टी फाइव किलोमीटर और फिफ्टी टू किलोमीटर तो थर्टी फाइव यहाँ हो गया एक्स माइनस वाइट डाउन अप स्ट्रीम नेक्स्ट वाले में और फिफ्टी टू डाउन स्ट्रीम और कितने घंटे लगते हैं इलेवन आवर्स लगते हैं बात को समझो अब ये देख ये अपने आप जो है इसको समझना थर्टी फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई फिफ्टी टू अपॉन एक्स प्लस वाई इलेवन है अब ये अपने आप में मैं आपको मेल आई दे दूंगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेनाट थर्टी फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई फिफ्टी टू अपॉन एक्स प्लस वाई ये दो इक्वेशन दो अननोन बनता है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है ना वो क्या कर सकता है वो क्या कर सकता है कि इनको निकाल लेगा मतलब सॉल्व कर लेगा तो बचपन में हमने पढ़ा हुआ था इस बारे में x माइनस वाई को वन अपॉन एम मान लो मतलब कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं कि x माइनस वाई को वन अपॉन एम मान लिया और x प्लस वाई को वन अपॉन एन मान लिया अब यहां पे रख दिया हमने सो so, ये वन अपॉन तो उल्टा ट्वेंटी फाइव एम थर्टी नाइन एन एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी और यहां पे एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी आंसर तो आ जाएगा <coughs> ठीक है ना सो <So, coughs> नहीं वो टू से टू कट जाएगा टू एक्स टू टू आपस में कट जाएगा ना जो आयुषी पूछ रही थी टू से टू तो आपस में कट जाएगा फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो भूल जाओ उसको थर्टी फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई फिफ्टी टू अपॉन एक्स प्लस वाई ट्वेंटी फाइव ये ये है तो ये तरीका काफ़ी बड़ा पड़ेगा तो दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद एक तरीका और बताऊँगा तो तीन तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान रखना ठीक है पहला तरीका क्या है कि जय माता दी मतलब यू जस्ट नीड टू लाइक थिंक एंड थिंक एंड थिंक दूसरा तरीका डायरेक्ट बता ब, ब, हो जाएगा मतलब इसी तरीके से पहले में क्या है कि दिमाग बहुत यूज़ होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ हम क्या करते हैं कि ये क्या है थर्टी नाइन है ये फिफ्टी टू है अच्छा ये भी कंप्लीट नंबर है ये भी कंप्लीट नंबर है वैसे नाइन्टी फाइव परसेंट केसेज में यहाँ या तो पॉइंट फाइव होगा नहीं तो पूरा कंप्लीट नंबर ही होता है मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे ठीक है इसको भी डिवाइड कर दे इसको भी डिवाइड कर दे सो so, हम क्या करते हैं कि ऐसा नंबर क्या हो सकता है जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे आप बताओ थर्टीन हो सकता है कि नहीं हो सकता फिफ्टी टू थर्टी नाइन थर्टीन हो सकता है तो अगर मैं थर्टीन से इसको काटता हूँ तो थर्टीन थ्री जा यहाँ तीन आ गया आठ में से तीन गया पाँच फाइव आ गया फाइव से सेवन आ गया मतलब यहाँ से फाइव से फाइव आ गया यानी एक ऑब्जर्वेशन दिमाग में आई है दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन आई है कि एक्स प्लस वाई अगर थर्टीन है और x- माइनस वाई अगर फाइव है तो पहली क्वेश्चन तो ठीक है और अगर पहली ठीक है तो क्या दूसरी भी ठीक हो सकती है क्या तो उठा के रख दो थर्टीन यहाँ रखो कितना आएगा फोर फाइव यहाँ रखो कितना आएगा सेवन इलेवन हो गया मतलब जो आपने सोचा था जो आपने सोचा था उसी के हिसाब से ये थर्टीन और फाइव हो गया यानी एक्स प्लस वाई थर्टीन है एक्स माइनस वाई फाइव है यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्स कितना हो गया नाइन किलोमीटर पर आर तेरह पाँच अठारह नाइन किलोमीटर पर आर वाई कितना हो गया तेरह में से पांच गया आठ फोर किलोमीटर पर आर एंड दैट इज आंसर हमने क्या किया इन दोनों को ऐड किया दो से डिवाइड इन दोनों को सब ट्रेड किया दो से डिवाइड लेकिन बच्चों इतना खतरनाक दिमाग जो है कभी कभी नहीं भी लगता है मतलब कभी अभी अगला क्वेश्चन दूंगा तो उसमें नहीं लगे नहीं लगेगा ठीक है क्योंकि कभी कभी नहीं भी लगता है वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में लग जाता है तो अब यहाँ पे क्या कि लग गया मतलब इनका फैक्टर लिया कि तेरह है तेरह इनमें भी कॉमन आ रहा है तेरह रख दिया तेरह से नहीं होता मान लो तो फिर छोटा नंबर रखते तेरह से छोटा क्या होता है सिक्स पॉइंट फाइव रख के देखते और तो कुछ नहीं होता ठीक है ना एक तो ये फंडा हो गया जो कि हमारा क्या आंसर आ ही जाएगा इससे मतलब थोड़ा सा डाउट रहता है अभी अगले क्वेश्चन में देखोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी आपको अब एक ऐसा मेथड बताता हूं जिससे ये हमेशा ही आंसर आ जाएगा ऑलवेज चाहे कुछ भी हो हमेशा यू आंसर अब लिखना क्या है आपको देखो <clears throat> यहां लिखना डाउन डाउन स्ट्रीम यहां लिखना अपस्ट्रीम यहां लिखना टाइम ठीक है तो डाउन में डिस्टेंस पहले कितना थर्टी नाइन और बाद में कितना फिफ्टी टू अप में पहले कितना ट्वेंटी फाइव बाद में कितना थर्टी फाइव टाइम में पहले कितना एट बाद में कितना इलेवन अब देखो x प्लस वाई निकालना है आई थिंक नज़र आ रहा होगा आपको उसके बाद में ऊपर वाली चीज़ मिटाऊँगा अगर लिख रहे हो तो लिख लेना फिर तो x प्लस वाई ये है अब हमें देखो कि हमें x प्लस वाई निकालना है मैं कह रहा हूँ डाउन वाला निकालना है तो ऊपर तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते रहो 39 नाइन इंटू थर्टी फाइव माइनस फिफ्टी टू इंटू ट्वेंटी माइनस फिफ्टी टू इंटू ट्वेंटी अपन सो थर्टी नाइन इंटू थर्टी फाइव माइनस फिफ्टी टू इंटू ट्वेंटी अब देखो डाउन निकालना है ना डाउन तो जो टाइम लेंगे वो अप वाला लेंगे मतलब टाइम को मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी फाइव इंटू इलेवन थर्टी फाइव इंटू एट थर्टी फाइव इंटू एट और इसको मॉड लगा देना जैसा इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट मल्टीप्लाई करो फटाफट मल्टीप्लाई करो और आपको पता चलेगा कि आंसर जो आएगा वो कितना आएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी अब एक आम आदमी धनराज कुमार शॉर्ट्रिक अभी डिस्कस करी थी हमने एक आम आदमी इसको देखेगा ना यार तो उसके दिमाग में ख्याल आएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना इसको इससे मल्टीप्लाई करना बहुत टफ काम है लेकिन एक शातिर खिलाड़ी उसको देखेगा तो क्वेश्चन हटा दिया जाए एक बार प्लीज मैं आगे कर दूं ताकि एक बार क्वेश्चन हटा दिया जाए कंप्यूटर जी 39 नाइन इंटू अब आगे अगर देखा जाएगा तो आदमी क्या कर लेगा कि यहाँ तेरह कॉमन है यहां पांच कॉमन है ये मैं हर बार बता चुका हूँ तो थर्टीन इंटू कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचेगा पंद्रह क्योंकि तीन और पांच पंद्रह यहां कितना बचेगा फोर और फाइव ट्वेंटी यहां देख लो यहां से अगर कॉमन लेंगे यहां से फाइव कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा फिफ्टी फाइव और यहां क्या बचेगा तो सेवन फिफ्टी सिक्स ठीक है तीन और ये ट्वेंटी वन होगा ऊपर यहां बचेगा ट्वेंटी so, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो इनका डिफरेंस तो वन आएगा कि नहीं आएगा तो ये खत्म देख लो एक यहाँ एक यहाँ ये खत्म हो गया मॉड का चक्कर है पाँच से पाँच खत्म हो गया सो so, एक्स प्लस वाई कितना आ गया थर्टीन आ गया यानी बच्चों अब एक नंबर तो हमें मिल गया अब अगर हम दूसरा निकालना चाहते हैं ये पाँच से पाँच खत्म तो तेरह आ गया एक्स प्लस वाई तेरह आ गया यहाँ पर ये हमें पता चला कि एक्स प्लस वाई तेरह आ गया अब अगर हम चाहते कि x माइनस वाई भी इसी मेथड से निकाले तो नहीं निकाल निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि x माइनस वाई क्या होता है ना भाई बड़ा पड़ जाएगा फिर फिर क्या लेना पड़ेगा x माइनस वाई यहाँ लिखोगे ऊपर तो वही रहेगा बस नीचे क्या हो जाएगा डाउन वाला टाइम मतलब देख लेना आप लोग करके देख लेना ताकि कभी भूले ना थर्टी नाइन इंटू इलेवन फिफ्टी टू इंटू एट सो ये यहाँ रखना पड़ेगा x माइनस वाई बट नहीं निकालेंगे x प्लस वाई आ गया ना यहाँ पुट करके x माइनस वाई निकाल देंगे से जो होगा हंड्रेड परसेंट पहली बार में आंसर आ जाएगा पहली बार में इससे लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा और जो ऑब्जर्वेशन मेथड था उसमें टाइम नहीं लगेगा लेकिन हो सकता है कि पहली बार गलत हो जाए दूसरी बार सही हो तो इसलिए पूरा होश में करना है बट मैं ऑब्जर्वेशन मेथड से ही करूंगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऑब्जर्वेशन मेथड से आ जाएगा तो so, अगला क्वेश्चन वैसा सा ही है तो एक बार जरा देख लीजिए दिखाया जाए क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट दिखाया जाए प्लीज हाँ अब करके दिखाइए <laughs> ठीक है अब नाइन नंबर दिखाइए चलिए बेस, नाइन नंबर दिखाइए हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेश बोले नीचे माइनस होना आया तो कट करके देखो राजेश मॉड लगा हुआ है तो माइनस प्लस से कोई चक्कर नहीं है वो वो आंसर ऊपर बाहर प्लस में ही आएगा चलिए अब इस क्वेश्चन देखते हैं इसमें लगाओ हिट एंड ट्रायल अब ये ट्वेंटी फोर किलोमीटर थर्टी सिक्स किलोमीटर नाइन आवर्स में देखो ट्वेंटी फोर किलोमीटर डाउन स्ट्रीम सो ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स प्लस वाई और थर्टी सिक्स अपॉन एक्स माइनस ट्वेंटी फोर किलोमीटर डाउन स्ट्रीम थर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई नाइन लगाओ इसमें डाउन देखते हैं किसका आता है सबसे जल्दी थर्टी सिक्स डाउन स्ट्रीम प्लस ट्वेंटी फोर अपस्ट्रीम एट पॉइंट फाइव आर्स चलिए देखा बताइए टेक्निकल टीम जरा एक सेकेंड देख लीजिए कमेंट जो है चैट थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई है तो प्लीज देखा जाए एक बार <coughs> चैट डिस्कनेक्ट हो गई है तो अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ इस क्वेश्चन को हम किस हिसाब से करेंगे देखो भाई कि एक चीज आपको ये पक्का सोचना पड़ेगा कि यार अगर मान लो सबसे पहला दिमाग में क्या आता है कि 12 पुट कर देते यहाँ तो 12 पुट करोगे तो 12 दूनी और दो आएगा नाइन में से टू सेवन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कटेगा नहीं यहाँ नाइन तो आना चाहिए ना अगर हम यहाँ ट्वेल्व पुट करते हैं तो अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे एट पुट कर दें यहाँ पे अगला नंबर एट पुट किया तो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे थ्री आया तो सिक्स और ये सिक्स आ जाएगा मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस वाई सिक्स हुआ x प्लस वाई एट हुआ ये लेकिन पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा रख के देखते हैं तो सिक्स फोर जो यहां चार आ गया यहां थर्टी सिक्स बाई एट आया तो काटेंगे यस yes, तो सेटिस्फाई कर देगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तो यानी ये सिक्स और ये आठ तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा चौदह तो एक्स की वैल्यू आ गई सेवन वाई की वैल्यू कितनी आएगी वन किलोमीटर पर आवर वाई की वैल्यू कितनी आएगी वन किलोमीटर पर आवर ठीक है <coughs> ठीक है देख लो एक बार <coughs> ठीक है हाँ ये बात कोई बोल रहा है ऊपर में दो से नीचे में तीन से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं नो डाउट बट आंसर क्या आ रहा है वन किलोमीटर पर आवर दिस इज योर आंसर यहां देख लो वन किलोमीटर ही पर आहर ही आएगा चेक कर लो आप दोबारा किस यहाँ रखोगे आठ तो तीन आएगा सात एक छः 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 आएगा नौ आएगा यहाँ रखोगे आठ सात एक आठ तो आएगा साढ़े चार यहाँ रखोगे तो चार साढ़े आठ आंसर हंड्रेड परसेंट यही है बच्चों आप इसे देख लो ये है यस सेवन किलोमीटर पर आर वन किलोमीटर पर आर मैंने वो मेथड आपको क्यों बताया मैं खाली खाली ये भी बता सकता था लेकिन जब करोगे जब ये करोगे बाद में तो बहुत बैंड बजेगी इसलिए मैं आपको यह मेथड बता दिया कि आप इसको देख लेना इसको समझ लेना कि क्या है तीन मेथड हैं तीनों हमने डिस्कस कर लिया है भाई तो इसमें और कोई मेथड बताने की क्या जरूरत है दोस्तों देखो सुनो रेलवेज़ <coughs> में एस सी भी हमने करा हुआ है जैसे कोई पूछा था एस सी एफेल्सियम करवा दीजिए ठीक है नितिन शर्मा का एक क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर सभी लोग देख लीजिए एक बार ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ़ द स्ट्रीम इज फोर किलोमीटर पर आर द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू डाउन स्ट्रीम इज थर्टी मिनट लेस देन द टाइम टेकन बाई द बोट इनका भी क्वेश्चन है जो नॉर्मल पूरा कम्प्लीट नहीं किया है इन्होंने शायद ठीक है सारा देखा इन्होंने सब दिया हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाइए बाकी बहुत आसान है बस जोड़ देना स्टार्टिंग से वीडियो देख लोगे तो स्टार्टिंग में ही फंडा बताया हुआ है ठीक है धनराज ये शॉर्ट ही फंडा था आप दोबारा देखोगे ना तब पता चलेगा एक बार इसको करना ना तो पता चलेगा कि क्या हो सकता है सो so दोस्तों चीज़ें हमने काफ़ी जो है कवर करी हैं और कवर कर रहे हैं बिल्कुल सेट पैटर्न के साथ तो रेलवेज़ की बिल्कुल जो भी वीडियो ढूंढ ढूंढ के निकालो और कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दो और कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है बता सकते हैं प्लस कमेंट भी कर सकते हैं जो लेटेस्ट वीडियोस हों उन पे कमेंट किया करो मैं ज़रूर देखूंगा और क्वेश्चन नंबर टेन दिखा जाए आपको ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टेन स्क्रीन पे दिखाया जाए ये आपका होमवर्क है टेन नंबर क्वेश्चन इसको आप ट्राई करना ठीक है काफ़ी कोई स्टफ नहीं है मैं बता देता हूँ कि जब मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ट्रे, ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब दो ट्रेनें आती हैं तो क्या करती हैं मुलाकात करती हैं ऐसे तो स्पीड ऐड हो जाती है सेम केस इसमें भी है कि दो ट्रेनें जब आएंगी तो मुलाकात करेंगी दो बोट जब आएंगी तो वाई की वैल्यू नहीं भी पता होगी तो भी आंसर आ जाएगा और इसका आंसर बहुत सिंपल है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है वन मतलब चारों में से एक ऑप्शन है इसका आंसर और तुम देख रहे हो कि सी और डी जो है सेम ही है पर डी ऑप्शन है वन बाई सिक्स समझ गए तो उसका आंसर बताना तो हम देखेंगे क्या हो सकता है दोस्तों सो so, आप लोगों ने देखा ये वीडियो क्वेश्चन मुझे पता है कि ठीक ठाक आपको लगी है तो उसको लाइक वाइक शेयर वेयर कर देना और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है दोस्तों सो so, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास And thank you. Thank you.